जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रेलवे का जो एग्जाम है ग्रुप डी का, जो 3 साल से पेंडिंग है, वो कब होने वाला है और ये कितने दिनों तक चलेगा। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, 3 साल पहले रेलवे ने 1,03,000 के आसपास पदों पर भर्ती जारी करी, वैकेंसी निकाली 1,03,000, ठीक है। 3,769 थे, ठीक है। 1,03,769 पदों के लिए भर्ती निकाली गई, जिसके सापेक्ष में 115 लाख फॉर्म पड़े थे, ठीक ना। 115 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया था। 115 लाख का मतलब है 1,15,00,000 लोगों ने। फिर आ गया COVID-19, कोरोना काल के चलते ये वाला एग्जाम पोस्टपोन्ड होता रहा। अभी रेलवे पूरी तरह से हो गई है फ्री। NTPC का जो CVT 2 था, दूसरा लेवल का जो एग्जाम था कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो खत्म हो चुका है। अब इतने बड़े एग्जाम को जो कंडक्ट करवाएगी वो कंपनी रहेगी TCS। TCS के पास अभी हाल ही में 2 एग्जाम कराने हैं उनको, एक तो MTS का, SSC MTS का, और दूसरा है आपका रेलवे ग्रुप डी। SSC की डेट आ चुकी है, 22 जुलाई के अप्रॉक्स जाकर के ये डेट खत्म हो जाएगा MTS का एग्जाम, और उसके बाद आपका शुरू हो जाना है ग्रुप डी। तो यकीन मानिए शुरू होने वाला है जुलाई के लास्ट से या अगस्त से। इसका आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा इसका, कि एडमिट कार्ड भी या फिर एग्जाम डेट के लिए नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो अगस्त से भी अगर शुरू हुआ और ये 115 लाख, मतलब 1,15,00,000 फॉर्म है जिसका एग्जाम कराने में रेलवे को लग जाएगा, TCS को लग जाएगा लगभग 3 महीने का समय। तो अगर ये जुलाई के बाद शुरू होता है, अगस्त से भी शुरू होता, तो अगस्त, सितंबर, नवंबर, अक्टूबर, इतने महीने जाएंगे, 3 महीने तक चलेगा ये पेपर। आपको जो तैयारी करनी है इस ग्रुप डी के लिए, उस तैयारी के लिए एग्जाम कोच ने अपना टाइम शेड्यूल बना लिया है, आप भी बन जाइए इसके साथ में। करना क्या है आपको, आपका जो सिलेबस रहेगा ग्रुप डी का, वो ग्रुप डी के सिलेबस में आपको पता है 90 मिनट्स में करने होंगे, टोटल 100 क्वेश्चंस, 1/3 निगेटिव मार्किंग भी है। और यहाँ पर जो क्वेश्चंस देखने को मिलेगा वो GK GS एंड करंट अफेयर्स का रहेगा, आपके पास में 20 नंबर, मैथ से 25, जनरल साइंस से 25, और ये जो रीजनिंग है इससे 30 क्वेश्चन आएंगे। मेजर पार्ट जहाँ पर आप नंबर बहुत ज़्यादा गेन कर सकते हो ग्रुप डी में, वो मेजर पार्ट आपका कवर करेगा मैथ्स और रीजनिंग। ये दो ऐसे हैं जहाँ पर आप पूरे से पूरे नंबर 30 के 30, 25 के 25 भी पूरा नंबर गेन कर सकते हैं। बात रही साइंस की, तो साइंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे बायोलॉजी के, ठीक है। इस 25 क्वेश्चन में अप्रॉक्स 10 से 12 क्वेश्चन बायोलॉजी के रहेंगे और बाकी रहेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री, बराबर बराबर नंबर के। यहाँ पर जो 20 नंबर का GK GS एंड करंट अफेयर्स रहेगा, इसके लिए लिख लीजिएगा, ये जब फॉर्म आता है तब से करंट अफेयर्स का इधर का पूछा जाता था, लेकिन चूंकि ये 3 साल पुराना एग्जाम हो गया है, अब 3 साल पुराना फॉर्म फिलअप किए हो गए वैकेंसी है, तो यहाँ पर जो करंट अफेयर्स आएगा 3 साल पुराना आपको नहीं पढ़ना, आप पढ़िएगा 2021 से लेकर के 1 जनवरी से, 2021 से लेकर के अभी तक पिछले 1.5-2 साल का पढ़ लेना बहुत हो जाएगा, ठीक है। और वहाँ पर से यहाँ पर से यहाँ पर कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स का देखने को मिलेगा, और बाकी वही स्टैटिक GK या फिर GS का पार्ट आपसे पूछा जाएगा। तो अब इन सभी चीज़ों के बारे में जो हम चर्चा करेंगे हम और आप मिलकर के एग्जाम कोच के इस यूट्यूब चैनल पर, यहाँ पर आपको डेली जो रीजनिंग की क्लास है, रीजनिंग और मैथ्स, ये दोनों क्लासेस आपको मॉर्निंग में मिलती हैं। मैथ्स की क्लास आपको मिलेगी सुबह 9 बजे, और जैसे ये क्लास ओवर होगी ठीक तुरंत बाद 10 बजे आपको मिल जानी है रीजनिंग की क्लास, ठीक है। इसके पहले अगर हम बात करें 8 बजे, सुबह 8 बजे, तो 8 बजे वाला टाइम जो शेड्यूल रहेगा ये GS के लिए रहेगा और करंट अफेयर्स के लिए रहेगा आपके, ठीक है। GS और करंट अफेयर्स के लिए रहेगा, इस वाले टाइम पर आप GS और करंट अफेयर्स पढ़ पाएंगे। इसके साथ में जो रात्रि का 8 बजे होगा, शाम के जो 8 बजे होगा, यहाँ पर आप साइंस की क्लास पाएंगे। तो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग का टारगेट रहेगा कि 75 दिन में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अब इस वाले बैच में जुड़ने के लिए, ये तो टाइम शेड्यूल है, इस वाले बैच में चूंकि पेड क्लास है, आपको जुड़ने के लिए केवल एक काम करना है, यहाँ पर जो हमने नंबर दिया आपको, इस वाले नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपना नाम और रेलवे ग्रुप डी का नाम लिख करके। मतलब मैं राहुल सोनी, मुझे प्रिपरेशन करनी ग्रुप डी की, तो मैं लिखूंगा राहुल सोनी, हेलो सर राहुल सोनी ग्रुप डी, बस इतना, ठीक है भाई। आपको क्या करना है, बस इतना, इस नंबर पर केवल व्हाट्सएप कर देना है, अपना नाम लिख देना है व्हाट्सएप पर। नाम में कैसे लिखेंगे, जैसे राहुल सोनी मेरा नाम है तो मैं लिखूंगा राहुल सोनी, और उसके बाद मैं स्पेस देके लिख दूंगा रेलवे ग्रुप डी या ग्रुप डी, ताकि हमें पता चल जाए, आइडिया हो जाए कि आप किसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको किस बैच में जोड़ना है, ठीक है। पेड क्लास में बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में रहेगी और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में रहेगी, ठीक है। मतलब केवल 499 में आप पूरी सिलेबस पा जाओगे, पूरा ग्रुप डी का पूरा कंप्लीट सिलेबस। तो मिलते हैं हम लोग अपने वाले सेशन में सुबह 9 बजे और रात्रि के 9 बजे मैथ्स वाली क्लास में। इसके साथ में जो टाइम शेड्यूल बताया उस वाले टाइम पर आइए।
ग्रुप डी इस बार आपके हाथ में ये सिलेक्शन पाना निश्चित हो जाएगा आपका, अगर आप इस वाले बैच में भी जुड़ते हैं और अगर एग्जाम कोच से जुड़ते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी वाली क्लास में, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई होगी तो लोगों को शेयर करिए, आपका एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आ रहा है एग्ज़ाम का, लोगों को बताइए कि अगस्त से ही हो सकता है शुरू हो जाए या जुलाई के लास्ट से ही शुरू हो जाए। ठीक है भाई, अपनी जो जानकारी थी न्यूज़पेपर के माध्यम से, रेलवे इंक्वायरी के माध्यम से, वो मैंने आपसे शेयर करी है, इसको आप भी शेयर करिए, लोगों को बताइए, जोड़िए लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। और ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अपनी वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।